हेलो गाइस, नमस्ते। सो आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, बट ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। मेरी मेहंदी हाँ, तो ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई थी 2017 में, तो उस टाइम पे खरवास होता है, कुछ खरवास नहीं कुछ तो होता है, वो था, तो जिससे मैं कोई भी नया फास्ट नहीं रह सकती थी, तो मैं वो साल नहीं रह पाई। फिर सेकेंड ईयर क्या हुआ, विहान पेट में आ गया तो नहीं कर सकती थी, तो नहीं किया। फिर थर्ड ईयर क्या हुआ कि फिर से वो लग गया था, 1 मास समथिंग कुछ होता है। और ये फोर्थ ईयर है, तो इस बार मैं हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है शादी के बाद, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ अभी। अभी तो जस्ट मैंने ये सूट पहना हुआ है, रात के लिए मैंने लहंगा लेकर के रखा है, तो मैं वो रात में जब पहनूंगी तो आप सबको दिखाऊंगी। अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने पायल लिया हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम पायल की शॉपिंग करी है अभी तक, तो जो मम्मी ने दिया था और मदर इन लॉ ने भी दिया था, तो वही था मेरे पास। अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा पतला चाहिए था, जो कि जीन्स पे भी जाए और किसी पे भी जाए वो अच्छा लगे। तो ये देखिए, अच्छा है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। गाइज, अभी शाम हो चुकी है, तो मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। खीर बनेगा, पूरी बनेगी, और क्या चढ़ता है, लड्डू है, और एक मैं बनाऊँगी चावल का कचवन। वो माँ ने बताया कैसे बनाते हैं, मैं दिखाऊँगी भी कैसे बनाऊँगी। तो वही अभी तैयारी कर रही हूँ। अभी देखिए, मैं उधर दूध बन रहा है, इधर मैं घी में चावल फ्राई कर रही हूँ। फटाक से बनाते हैं। मैं फटाक से बता देती हूँ कि हमारे यहाँ कचौन कैसे बनता है। तो ये मैंने चावल सुबह भिंगा के इसको ऐसा रख दिया था ताकि थोड़ा सा फरहर हो जाए, उसके बाद इसको मैं पीस के बनाऊंगी। मैं ना चीनी इसी के साथ साथ थोड़ा पीस दूंगी और घी मिला करके लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज मेरे लिए सब्जी स्पेशल बना रहे हैं मेरे डियर हस्बैंड। और वो किसकी सब्जी है? मटर पनीर, वो भी बिना लहसुन और प्याज के। वैसे ये बनाते तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बनाते हैं तो झोंक देते हैं हर चीज उसमें। देखते हैं कैसा बनता है आज, ठीक है? कहाँ तक बना? देखो, पनीर फ्राई कर दिए हैं, इसको बॉईल कर दे रहे हैं, और इधर अब डाल दिए टमाटर। ठीक है, फाइनल रिजल्ट तो मैं ही बताऊंगी। हेलो गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अभी अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। मैं अभी मैं पीछे से दिखाती हूँ कि मेरा लहंगा कैसा है। ये मियाँ जब से देखा है मैं ऐसे रेडी हूँ ना, उसको मेरे पास आना है, तो वो पूरे टाइम अपने पापा के पास रहता है, लेकिन जब भी मुझे कोई काम रहेगा
तो उनको मम्मा पे पूरा प्यार प्यार बरसने लगता है। बेटा रुक जाओ मेरे लाल, अभी मैं लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं दिखाती हूँ। और ये हाँ, ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो जो शादी की चुन्नी रहती है उसको लेना होता है, तो इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। देखो यहाँ